हाथी राजा कहाँ चले, सुंड हिला के कहाँ चले। हाँ मेरी स्टोरी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है। ये सीन नंबर वन का प्रोसेस है मेरा। कल ये टेरेस के दीवार पे चढ़ गया था जंप मार के, तो कल गिरते गिरते बचा, कल सच्ची में चला जाता था। बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध हो रहा है दोनों के बीच में। अभी इन दोनों को भी हम लोग खोलने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं बैठा हूँ अपने बेडरूम में और अभी मैंने एनिमेशन का प्रोसेस मेरा जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और आपको काफी सुना सुना लग रहा होगा रूम, क्योंकि इस्बा यहाँ पर अभी नहीं है, वो अपने नानी के घर पे गई हुई है। तो इसीलिए कुछ दिनों तक ये ऐसे ही रहने वाला है, इसीलिए मेरा व्लॉग बनाने को भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा चलो मैं कुछ शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। तो याद है लास्ट व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि मैंने स्टोरी बोर्ड पे काम शुरू कर दिया है और मैं आपके साथ मेरे स्टोरी बोर्ड शेयर करूंगा। तो पूरा तो नहीं, लेकिन सीन नंबर वन अभी कंप्लीट हो गया है और उसके कुछ पैनल्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं फटाफट। ये है हमारा पैनल नंबर वन। तो ये मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन रखा है मैंने रेफरेंस के लिए, काम आएगा कभी भी। और ये हमारा पैनल नंबर टू, थ्री। तो मेरी स्टोरी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है ये इस तरीके से। तो अभी लगभग सीन नंबर वन हमारा कंप्लीट हो चुका है और सीन नंबर वन में आई थिंक 5 से 6 हमारे स्टोरी बोर्ड्स हैं। तो बस अभी काम चल रहा है और मैंने एनिमेशन भी स्टार्ट कर दिया है। तो चलो अभी बातें तो बहुत हो गई है और अभी मैं काम शुरू कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हमें जाना है टेरेस पे, ठीक है? तो हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग टेरेस पे आ गए हैं। 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। यहाँ पर देखो, उस्मान और पठान में लड़ाई हो गई है, और कल इसने काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेजेडी वाला सीन कर दिया था। इसके लिए मैंने आज इसका पैर बांध के रखा है। कल ये टेरेस के दीवार पे चढ़ गया था जंप मार के, तो कल गिरते गिरते बचा, कल सच्ची में चला जाता था। और इन दोनों भाइयों को हमने बांध के रखा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। पता नहीं इनको अचानक क्या हो गया है। और आज हमारे साथ कबीर भी है, तो यहाँ पे हमने कबूतरों को खुला छोड़ दिया है। ये भी अपना घूम रहे हैं आराम से, और इसका पैर बांधने के बाद भी देखो ये कैसे जंप मार रहा है। ये पैर इसके लिए बांधा है कि ये टेरेस की दीवार से चढ़ के कूद ना जाए। तो अभी भी उसके बाद भी ये दो पैर पे खड़ा हो रहा है, लेकिन अभी ये ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पाएगा। तो कुछ दिन हमको ये करना पड़ेगा ताकि इसको एक हैबिट लग जाए, उसके बाद हम इसको खोल देंगे। बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध हो रहा है दोनों के बीच में। अभी इन दोनों को भी हम लोग खोलने वाले हैं ऐसे ही रस्सी बांध के, क्योंकि इसको देख के ये लोग भी टेरेस पे जंप मारने लगे हैं। फ्रेंड्स, अभी इन लोगों का खाने का टाइम हो गया है और यूम और अजवा यहाँ पे खा रहे हैं, और सुल्तान और पठान को मैंने वहाँ पर दिया है खाने को और चेन से बांध के रखा है। और मम्मी आ गई है हमारे साथ, ये दोनों वापस उनके साथ ही खा रहे हैं। मम्मी और उस्मान हमारा यहाँ पे खा रहा है अकेला। ये लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगे, इसके लिए हम लोगों को ये करना पड़ रहा है। थोड़े दिन हम लोग ऐसे करेंगे, फिर इनको फ्री छोड़ देंगे, इनको हैबिट हो जाएगी। आज यूम का पैर थोड़ा ठीक लग रहा है कल से, कल तो काफ़ी ज़्यादा सूजन थी इसके पैर पे। अजवा चलो आचन चल, परसों के दिन ऐसे ही ये लोग साथ में खा रहे थे और अचानक से इन दोनों में से किसी एक ने अटैक किया यूम के ऊपर, और उसका ये जो पीछे वाला पैर है ये सूज गया है। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, तो इसको चलने भी नहीं हो रहा था, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग इनको बांध के इसलिए रखे हैं कि क्योंकि ये लोग कल दीवार पे कूद कर चढ़ने लगे थे।
ये तो, ऊपर चढ़ गया था। हाँ ये तो कल दीवार के ऊपर ही चढ़ गया था दीवार ऊपर सीधा, अगर कोशिश कोशिश करने की और कोशिश वो जो डिश है वो वाले हिस्से पे, डिश के पास जो दीवार है उस पर चारों पैर उसने रख दिए थे ऊपर, और शायद वो डिश की वजह से बच गया, नहीं तो वो नीचे जाकर गिर सकता था। तो इसीलिए हम लोगों ने आज थोड़ी प्रोटेक्शन की है। अभी 10-12 दिन इनको ऐसे रखेंगे, हैबिट होने के बाद में हम लोग इनको खोल देंगे, ठीक है। ये एक जगह टिक के खाती नहीं है, इसको भी एक जगह बांध देते रस्सी से ताकि ये लोग आराम से खा लें। हाँ मम्मी, इसको बांध देते हैं। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो गया है डिनर करने का, फटाफट से डिनर कर लेता हूँ मैं। और इस बार तो गई भी अपने नानी के घर पे, तो अभी मैं अकेला ही डिनर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर है हमारे पास रोटी, फिर है कीमा, चावल और एक कबाब। तो चलो फटाफट से डिनर कर लेते हैं, और लास्ट में एक वीडियो में इस बार का और मेरा शेयर करने वाला हूँ। हाथी राजा कहाँ चले, सुंड हिला के कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, कल्ला छोड़ी कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, कल्ला छोड़ी कहाँ चले। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। अच्छा चल वैसे। हाथी राजा कहाँ चले, सुंड हिला के कहाँ चले। हाथी तू बीच में मत बोलना, इस बार शॉर्ट खराब हो जाता है अपना। बाय।